बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाने जा रहे हैं कराची हलवा, कराची बम्बई हलवा, जिसके लिए हमको 2 कप जो है वो चीनी चाहिए और 1.5 कप हमने यहाँ पानी लिया है। हमने यहाँ पर चीनी का सिरप बना लेना है। 3/4 कप हमने कॉर्नफ्लावर लिया है और 1 कप हमने पानी लिया है। हमने कॉर्नफ्लावर को पानी में अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लेना है। 3.5 टेबल स्पून घी, 1/4 टीस्पून लेमन सॉल्ट लिया है, 1/4 टीस्पून हमने येलो कलर लिया है, हमने येलो बनाना है, 1/4 कप 4 मगज़ लिया है और 1/2 कप हमने ये वॉलनट्स लिए हैं, 1/4 टीस्पून हमने इलायची का पाउडर लिया है, 1/4 कप हमने सनफ्लावर सीड लिए हैं और ये भी 1/4 हमने ये वाले सीड्स भी लिए हैं। सो चले आए स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपनी चाशनी तैयार कर लेंगे। 2 कप हम चीनी डाल देंगे और उसमें हमने 1.5 कप पानी डालना है। इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये चीनी डिज़ोल्व ना हो जाए और इसको 5-6 उबाल आ जाए। अपने कॉर्नफ्लावर को हम ये अपना 1 कप पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है कि इसमें कोई लम्स ना बने। कॉर्नफ्लावर हमारा तैयार चुका है, चीनी हमारी ऑलमोस्ट डिजॉल्व हो चुकी है। चीनी को हमारी उबाल आ चुका है, हम इसको 4-5 उबाल और देंगे और चूल्हा इसका बंद कर देंगे। चीनी हमारी रेडी हो चुकी है, चूल्हा बनते हैं बंद। यहाँ पर हमने 1/2 जो अपना शीरा था वो इसमें डाल लिया है। अब हम इसमें अपना ये जो कॉर्न स्टार्च का मिक्सचर हमने रेडी किया है वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसमें मुसलसल जो है अपना चम्मच हिलाना है। इसमें मेक श्योर कीजिएगा कि चम्मच आप मुसलसल हिलाते रहें क्योंकि और ये नीचे ना लगे। हीट इसकी हमने तकरीबन लो से मीडियम रखनी है और इसको बहुत ही केयरफुली हमने पकाना है। ये देखें, इसमें ये जो कॉर्न स्टार्च है वो जमना शुरू हो चुका है, तो इसको हमने अच्छे तरीके से बनाना है कि ये नीचे ना लगे। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें तकरीबन 45 से 1 आवर का टाइम लग जाता है, लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा पेशेंट चाहिए होता है। ये जो हमने घी लिया था 3.5 टेबल स्पून, वो हम 1-1 टेबल स्पून करके डालते जाएंगे। हमने हल्के से मीडियम आंच पे इसको पकाना है। जो शीरनी है हमने इसमें थोड़ी थोड़ी करके डालते जाने हैं। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसके पकाने में बहुत टाइम लगता है, तकरीबन 45 मिनट्स से 1 आवर, क्योंकि इसको इतना पकाना है कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। और जो बाकी का है वो सब भी डाल देंगे।
इसको अच्छी तरह से मसल मसल कर पकाना है, ऐसे प्रेस कर करके। हम 10-15 मिनट से पका रहे हैं, बाकी का जो इसका ये घी है हम ये भी इसमें डाल देंगे। लेमन सॉल्ट ली है वो डाल देंगे 1/4 टीस्पून। एक टेबल स्पून घी हम इसमें और शामिल करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे चिली का पाउडर। एक्चुअली इसको इतना पकाना है कि ये स्ट्रेची से हो जाए, इसमें कच्चा पन रहा है। ये हमने येलो कलर का जो फूड कलरिंग ली थी वो हम इसमें डाल देंगे। आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें ये जो हमने नट्स लिए हैं वो सारे हम ऐड करते जाएंगे। और के गुलाब डाल देना है। हलवा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं एक पेपर पर, क्योंकि हमने इसका रोल बनाना है। चले हम इसको निकाल लेते हैं। इसको इस पेपर पर निकाल लेंगे। थोड़ी देर के रख देते हैं इसको। अब एक वैक्स पेपर पर हम ये तिल बिछा देंगे। ओपन करेंगे।
ओके अब इसको हमने रोल करना है। अब हम इसको तकरीबन 1-2 घंटे के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी अब इसकी कटिंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हटा देते हैं। तो ये है जी हमारी फाइनल लुक, हमारी कराची का हलवा जो है वो रेडी हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बना है। देखें ये देखें। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली रेसिपी या व्लॉग टाइम पे मिल सकें। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और आपको ढेरों खुशियाँ नसीब फरमाए, आप पे अपना करम फरमाए। आपसे चाहते हैं इजाज़त दी रही तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।